दादी नानी के टिप्स घरेलू तरीके। नंबर एक, क्वेश्चन और आंसर बताऊंगी आज मैं। नंबर पहला क्वेश्चन, माड़ वाली चावल बनाते समय ये चिपक जाते हैं और सफ़ेद भी नहीं रहते, ऐसे में सफ़ेद और बिना चिपका माड़ वाला चावल कैसे बनाए? तो इसका आंसर ये है कि चावल बनाते समय इसमें आप पानी में 1 चम्मच घी और कुछ बूंदे नींबू का रस डाल दें, इससे चावल खिले खिले और बिल्कुल सफ़ेद बनेंगे। और नंबर दो का क्वेश्चन है, अक्सर घर में फ्रेंच फ्राइज बनाते वक्त वह क्रिस्पी नहीं बनती है, जबकि बाहर वाली होती है ना, वो दो देर तक क्रिस्पी बनी रहती है, ऐसे में फ्रेंच फ्राई बनाने के लिए क्या करें? तो इसका आंसर है, इंस्टेंट क्रिस्पी पोटैटो फ्राइज या चिप्स बनाने के लिए आलू के पतले स्लाइस काट के इन्हें बर्फ़ वाली पानी में थोड़ी देर के लिए रख दें, उसके बाद उसे फ्राई करें। तो नंबर तीन का क्वेश्चन है, घर में अक्सर ब्रेड की स्लाइसेस बच जाती हैं, इनका रीयूज़ किस रेसिपी के लिए कर सकते हैं और फिर इसे स्टोर करने का क्या तरीका सही रहेगा? तो इसका आंसर है, पुरानी या बची हुई ब्रेड को पीस कर एयरटाइट डिब्बे में रख लें, इसका इस्तेमाल कटलेट या कबाब बनाने में करें, वह टूटेगी भी नहीं और टेस्टी भी बनेगी। नंबर चार का क्वेश्चन है, जब जब घर में आमलेट बनती है पापड़ की तरह पतली लेयर जैसा बन जाता है, यह मुलायम और सॉफ्ट बने इसके लिए क्या तरीका है? तो इसका आंसर है, आमलेट बनाने के लिए अंडा फेंटते वक्त उसमें 2 चम्मच दूध मिला दें, इससे आमलेट सॉफ्ट और फ्लपी बनेगा। तो आज के टिप्स इतने ही हैं, आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज के टिप्स पसंद आए होंगे। अगर आज के एक भी टिप्स आपके काम का है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगी ना उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा, सबसे पहले आप मेरा वीडियो देख पाओगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।